टॉप 10 फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, दुनिया के 10 सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका अपना सूरज कुमार, वर्ल्ड के नॉलेज में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10, तो दोस्तों नंबर 10 पर आता है कंगारू। कंगारू के बारे में तो हम सभी ने सुना ही है, और हम ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खिलाड़ियों को भी कंगारू बोला जाता है, वो भी उनके कंगारू की तरह लंबाई की वजह से। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक मैमस जीव है, और यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। कंगारू की खास बात तो यह होती है कि इनके शरीर में एक थैली होती है, जिसमें वो अपने बच्चे के जन्म के बाद कुछ महीने तक उसको उस थैली में रखते हैं, ताकि शेर और भेड़िया जैसे जानवरों से बच्चों को बचा सके। कंगारू दो पैर पर कूद के दौड़ता है, जो एक बार में 9 मीटर तक की छलांग लगा सकता है। दोस्तों कंगारू की रफ्तार की बात करूं तो 35 मील की रफ्तार से दौड़ सकता है, यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे। नंबर 9, तो दोस्तों नंबर 9 पर आता है जैक रैबिट। जैक रैबिट जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा तेज और फुर्तीला होता है, जो इसे शिकार होने से बचाता भी है। और इसका सबसे बड़ा कारण इसके मजबूत पैर होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी लंबी और तेज छलांग लगा सकते हैं। जैक रैबिट कभी भी सीधे सीधे नहीं भागते, बल्कि वह जिगजैग दौड़ते हैं, और इसी वजह से उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। आप सभी लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जैक रैबिट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। नंबर 8, तो दोस्तों नंबर 8 पर आता है अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। अफ्रीका के जंगल में कुत्ते झुंड में रहते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं, और इनके झुंड में रहने की वजह से ही ये सुरक्षित रहते हैं। झुंड में रहने की वजह से ही ये किसी भी जानवर का शिकार कर लेते हैं, चाहे वो फिर हिरण हो या फिर भैंस। यहाँ तक कि ये साथ मिलकर शेर का खाना भी चुरा लेते हैं। दोस्तों रफ्तार के मामले में भी ये पीछे नहीं है, इनकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। नंबर 7, तो दोस्तों नंबर 7 पर आता है ग्रेहाउंड डॉग। ग्रेहाउंड कुत्ते की नस्ल को दुनिया की सबसे लंबी और यहाँ तक कि सबसे पुरानी कुत्तों की नस्ल भी माना जाता है। आपने इनको पुरानी काफी मूवीज में भी देखा होगा, और कई सर्कस वाले इनको अपने निजी काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये कुत्ते दिखने में काफी पतले लगते हैं, पर फुर्ती के मामले में ये कुत्ते किसी भी जानवर को टक्कर दे सकते हैं। ग्रेहाउंड कुत्ते की रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो इसे धरती का सबसे तेज कुत्ता भी बनाती है। नंबर 6, तो दोस्तों नंबर 6 पर आता है लायन। शेर बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। वैसे कुछ शोध बताते हैं कि बाघ ताकत के मामले में शेर से भी आगे है। वैसे शेर के बारे में ज्यादातर लोगों को काफी ज्यादा वहम है, जैसे कि शेर अपने खुद के बच्चों को खा जाता है। हालांकि ऐसा अभी तक साबित नहीं हो पाया है। शेर भी अफ्रीका के कुत्तों की तरह झुंड में रहते हैं, और इनके झुंड में 2 से लेकर 15 सदस्य हो सकते हैं। अपने वजन के हिसाब से शेर काफी तेज भागता है, और इसकी सबसे तेज रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे नापी गई है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि शेरनियां ज्यादातर शिकार करती हैं, जबकि शेर तो बस उस शिकार पर अधिकार दिखाता है। दोस्तों शेर की ढाल को 8 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है। नंबर 4, तो दोस्तों नंबर 4 पर आता है ब्लू वाइल्ड बीस्ट। वाइल्ड बीस्ट भी हिरणों की प्रजाति में से आते हैं, क्योंकि दोनों ही एक फैमिली से आते हैं। वाइल्ड बीस्ट दक्षिण अफ्रीका के खुले मैदानों और पूर्वी अफ्रीका के जंगली इलाकों में रहते हैं, और ये 20 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। वाइल्ड बीस्ट जानवर पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं। अफ्रीका में ये शेर का सबसे पसंदीदा शिकार होते हैं। नर अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने के मामले में काफी उग्र होते हैं, कभी कभी तो ये शेरों पर भी हमला कर देते हैं। ये जानवर भी झुंड में रहते हैं, लेकिन 15 या 20 सदस्यों के साथ, बल्कि हजारों और लाखों की तादाद में एक साथ रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी संख्या तंजानिया में पाई गई है, जहां ये 10 लाख से भी ज्यादा आबादी में एक साथ रहते हैं। इनकी भागने की रफ्तार 81 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नंबर 3, तो दोस्तों नंबर 3 पर आता है स्प्रिंग बोक। ये भी हिरण की ही प्रजाति होती है, लेकिन ये रफ्तार के मामले में दुनिया के सभी हिरणों की प्रजाति में दूसरे नंबर पर है। स्प्रिंग बोक की प्रजाति भी अफ्रीका के सूखे जंगलों में पाई जाती है। इनको भी चीता, शेर और लकड़बग्घों से खतरा होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि इनकी रफ्तार सिर्फ चीते से कम होती है, पर बाकी सभी जंगली जानवरों से ज्यादा होती है। इसी वजह से शेर इनको पकड़ नहीं पाते, और इसी वजह से शेर और भेड़िया इनका शिकार घात लगाकर करते हैं। दोस्तों स्प्रिंग बोक की रफ्तार 88 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे तेज जानवर भी बनाती है। स्प्रिंग बॉक दौड़ते तो तेज ही है, लेकिन ये दौड़ते वक्त 2 मीटर लंबी छलांग भी लगा देते हैं, ताकि दूसरे खूंखार जानवर से बच सके। नंबर 2, तो दोस्तों नंबर 2 पर आता है प्रॉन्ग हॉर्न। ये हिरणों की सभी प्रजातियों में सबसे तेज होती है, और सिर्फ चीता ही इनका शिकार कर पाते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी, क्योंकि चीता भी ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते हैं, जबकि काफी वक्त तक एक ही रफ्तार में दौड़ पाते हैं। इसलिए सभी जंगली जानवर इनका शिकार घात लगाकर या फिर छुपकर करते हैं। दोस्तों इसकी रफ्तार 98 किलोमीटर प्रति घंटे तक की नापी गई है। तो दोस्तों नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैनल वर्ल्ड की नॉलेज में वर्ल्ड में टॉप 10 में आने वाली चीजों के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों आप वर्ल्ड की नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है चीता। चीता बड़ी बिल्लियों की प्रजाति का जानवर है, जो अपने अद्भुत रफ्तार और फुर्तीले के लिए पहचाना जाता है। चीता को धरती का सबसे तेज जीव माना जाता है, क्योंकि इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो इस धरती पर सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि यह रफ्तार काफी सुपर कार से भी ज्यादा है। चीता मात्र 3 सेकंड में 0 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ा लेता है। दोस्तों अगर चीते की रफ्तार से इंसान की रफ्तार की तुलना करके बताऊं तो दुनिया के सबसे तेज आदमी यूसेन बोल्ट की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो चीता की रफ्तार की आधी भी नहीं है। चीता के बारे में एक फैक्ट यह भी है कि सभी बड़ी बिल्लियों में चीता ही सबसे आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है, और चीता कैसे भी मौसम में जिंदा रह सकता है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।